हल्का सा ऐसा करेंगे। वाह वाह दोस्तों, क्या बिरयानी बनी है। वाह ये देखिए क्या खिले खिले चावल हैं, ये देखिए वाह एकदम मॉइस्ट, ये देखिए परफेक्ट, ये देखिए राइस की है, ये देखिए चिकन, ये देखिए दोस्तों क्या जूसी और टेंडर चिकन है, गर्म है बहुत ज़्यादा, ये देखिए, ये देखिए हड्डी ऐसे निकल गई है। वाह एक बार इस रेसिपी को बनाइए दोस्तों, मज़ा आ जाएगा आपको। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हरीश और वर्तिका किचन में। आज हम आपके लिए बनाने जा रहे हैं चिकन बिरयानी। तो चिकन बिरयानी बनाने के लिए हमने लिया है 1 किलो चिकन, और हमने लिया है 200 ग्राम दही, और हमने लिया है थोड़ा सा धनिया, थोड़ा सा पुदीना, और 4 से 5 हरी मिर्च जिन्हें हमने स्लेट करके रख लिया है, और हमने 3 बड़े प्याज को पतला पतला काट लिया है। इसे हम लोग फ्राई करेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे अनियन को फ्राई करते हैं। और हमने लिया है बड़ी कटोरी से 2.5 कटोरी चावल, इसे हमने अच्छे से 2 बार धो के इसमें पानी ऐड करके रख दिया है, और इसके साथ जिन मसालों की हमें ज़रूरत है वो जैसे जैसे हम प्रोसेस आगे करते जाएंगे आपको दिखाते जाएंगे। तो आइए हम सबसे पहले चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं। इसके लिए हम एक बाउल में चिकन ऐड करेंगे, दही ऐड करेंगे, 2.5 टीस्पून बिरयानी मसाला, हम MDH का बिरयानी मसाला यूज़ कर रहे हैं दोस्तों, आप चाहें तो कोई और भी यूज़ कर सकते हैं, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 2 टीस्पून देगी मिर्च, 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम हल्दी, 2 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, थोड़ा सा पुदीना, थोड़ा सा धनिया और थोड़ा सा ऑयल। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम प्याज फ्राई कर लेते हैं। जब तक हम प्याज फ्राई कर रहे हैं तब तक हम चिकन को मैरिनेट करने के लिए फ्रिज में रख देंगे ढक के। तो अब हम प्याज को फ्राई करेंगे, उससे पहले एक बार आप प्याज को इस तरह से एक बड़ी प्लेट में इस तरह से प्याज को खोल लीजिए, इससे आपका प्याज जो है बहुत अच्छे से फ्राई हो जाएगा दोस्तों। तो हमने एक कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल ऐड कर लिया है, अब हम प्याज को 2 से 3 बैच में फ्राई कर लेंगे दोस्तों। गैस की फ्लेम हाई है, तेल हमारा गर्म है, इसे हम हाई फ्लेम पे ही फ्राई करेंगे जब तक ये ब्राउन ना हो जाए। तो प्याज दोस्तों ऑलमोस्ट ब्राउन हो चुका है, हमें इसे इस स्टेट पे लाने पे 2.5 से 3 मिनट लगे हैं। जब आपका प्याज थोड़ा सुनहरे रंग का हो जाए तो गैस की फ्लेम को लो कर दें और इसको ब्राउन होने तक फ्राई करें। बस दोस्तों इसको अब हम निकाल लेंगे इस टाइम पे, क्योंकि प्याज जो है वो गर्म होने की वजह से अपने आप भी थोड़ा पकता रहेगा, तो जब इसको बाहर रखेंगे तो भी ये पक जाएगा, एकदम परफेक्ट उसमें आ जाएगा जैसा हमें चाहिए। अब मैं इसको निकाल लूँगा एक प्लेट में। इसी तरह से हम बाकी का बचा हुआ प्याज भी फ्राई कर लेंगे दोस्तों। तो अब हम मैरिनेटेड चिकन को अपने प्रेशर कुकर में मूव कर लेंगे। साथ ही हम इसमें 1.5 टीस्पून नमक भी ऐड कर देंगे, आप चाहें तो जब हम मैरिनेशन करते हैं चिकन को तब भी नमक ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमने अभी किया है। अब इसको अच्छे से एक बार मिक्स कर लें। अभी इसकी गैस नहीं जलानी है, इसे हमने सिर्फ मूव किया है ताकि जब हम अपने राइस को कुक करें हम राइस को सीधा पतीले से इसमें ऐड करेंगे, हमें चावलों को मूव करते टाइम परेशानी ना हो, इसलिए हमने इसको पहले ही कुकर में ट्रांसफ़र करके रख लिया है। एक पतीले में हमने 1.5 लीटर पानी यूज़ किया है, अब पानी में एक उबाल आने दें। तो हमारा पानी गर्म होने लग गया है, देखिए दोस्तों एक उबाल आने लग गया है इसमें। अब हम इसमें खड़े मसाले ऐड करेंगे, 2 तेज़पत्ता, 3 लौंग, 4 हरी इलायची, 2 दालचीनी के टुकड़े छोटे से, 1 बड़ी इलायची, 2 स्टार एनीस, 2 अब मसाले ऐड करते हैं, इसमें हम नमक भी ऐड कर देंगे। गैस की फ्लेम लो कर दें। 4.5 टेबल स्पून मैंने नमक डाला है दोस्तों इसमें, इसमें थोड़ा ज़्यादा नमक पड़ता है, और साथ ही इसमें हम अपना राइस भी ऐड कर देंगे। अब इसे हमने से 50% तक कुक करेंगे दोस्तों, क्योंकि हम बिरयानी को कुकर में बना रहे हैं। मैं आपको एग्जैक्ट टाइम बता दूंगा मुझे कितना टाइम लगा इसको 50% कुक करने में, और साथ ही इसमें हम लोग 1 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर देंगे, और गैस का फ्लेम हाई है दोस्तों, ध्यान रखिएगा।
तो दोस्तों अब मुझे इसको पकाते हुए पूरे 5 मिनट हो गए एग्जैक्ट, मुझे इससे ज़्यादा इसको नहीं पकाना है। अब मैं गैस की फ्लेम को बंद कर दूंगा और अब हम इसे लेयरिंग करेंगे। अब इसको इस तरह से इस प्रोसेस को थोड़ा सा फास्ट कीजिएगा दोस्तों, गैस की दोनों फ्लेम बंद हैं, हम जल्दी जल्दी लेयरिंग कर लेते हैं। थोड़ा सा अनियन, थोड़ा सा बिरयानी मसाला, थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ा सा पुदीना, मुझे थोड़ा चटपटा ज़्यादा पसंद है तो हम ज़्यादा हरी मिर्च ऐड कर रहे हैं, और अगर आपको कम डालनी है तो आप कम डालिएगा। पुदीना, धनिया और आपका जो बचा हुआ अनियन है वो। तो अब हम इसमें ये डाबर का केवड़ा वाटर, दो ढक्कन, इसी के ढक्कन से ये हमने इसमें निकाल के रख लिया है, और इसमें हम लोग अब पिंच ऑफ फूड कलर ऐड कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो आप इसे स्किप कर दीजिए, ये ऑप्शनल है। इसको हम लोग अब इसमें इस तरह से डाल देंगे। आप इसमें पानी बिल्कुल ऐड ना करें क्योंकि चिकन अपना पानी खुद छोड़ देगा। अब इसमें हम लोग वही ऑयल यूज़ करेंगे, 2 टीस्पून, जिससे हमने अनियन फ्राई किया था दोस्तों। अब इसे हम ढक के 1 सीटी आने तक पकाएंगे, सिर्फ 1 सीटी फुल फ्लेम पे, और उससे ज़्यादा पकाने की इसे ज़रूरत नहीं है दोस्तों। आप सोच रहे होंगे कि ये चिकन पकेगा या नहीं पकेगा, लेकिन चिकन जो है वो परफेक्टली कुक्ड बाहर आएगा, मैं आपको दिखाऊंगा, और हमारे राइस भी एकदम मॉइस्ट होंगे। अब गैस को ऑन कर देते हैं और फुल फ्लेम पे 1 सीटी आने तक इसको पकाते हैं। तो बस दोस्तों हम गैस को बंद कर देंगे। आप कुकर की गैस खुद से ना निकालें, इसे अपने आप ठंडा होने दें, और ठंडा होने के बाद फिर इसे हम ओपन करके देखेंगे। तो दोस्तों देखिए कुकर हमारा पूरा ठंडा हो गया है, गैस पूरी निकल चुकी है, अब इसको खोल के देखते हैं। वाह क्या खुशबू है दोस्तों। अब इसको हम इस साइड से, चलिए दोस्तों इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। इतनी बेहतरीन बनती है कि आप बाज़ार से बिरयानी खाना भूल जाएंगे दोस्तों। तो तैयार है हमारी चिकन बिरयानी दोस्तों, वाह क्या लजीज लग रही है। इसको हम परोसेंगे दोस्तों मिंट रायता के साथ। एक बार इसे बनाइए, खुद खाइए, अपने दोस्तों को खिलाइए, और हमें ज़रूर बताइएगा कि आपकी बिरयानी कैसी बनी दोस्तों। मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ, अगर आप जिस तरह से मैंने बिरयानी बनाई है अगर आप उसी तरह से बनाएंगे तो ये बहुत ही बेहतरीन बन के आएगी। एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा दोस्तों, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सारी नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें दोस्तों। हम ऐसी बेहतरीन रेसिपीज़ आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।